हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी एम्स की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, यानी कि आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है काफ़ी अलग अलग फील्ड के अंदर आपको यहाँ पर पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। यानी कि सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपको पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्या दी गई है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको यहाँ पर जो अवेलेबल है वो कराई गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है, यानी कि पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट आपको यहाँ पर जो अवेलेबल है वो कराई गई है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट हैं, सभी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। स्टोर कीपर की पोस्ट है, यानी कि मेडिकल फील्ड से जितनी भी पोस्ट है, नर्सिंग ऑर्डिनरी की आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड से इस वैकेंसी को देख रहा है वो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली मैंने जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी को बताया कल मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके अंदर मैं वैकेंसी आपको पोस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी कौन कौन सी एम्स की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर बात करेंगे कितनी तो इसके अंदर पोस्ट हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पोस्ट नहीं दी गई हैं, तो उस पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कितनी पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इसके अंदर एमसीक्यू हैं वो कितने आने वाले हैं, कितना नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन क्वालिफाई है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम होने वाला है। सीआरई का मतलब होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी कि एम्स के लिए आपको कॉमन यहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो दिया गया है, जिसमें एग्जाम की डेट भी निर्धारित कर दी गई है कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, ठीक है। यानी कि आपका एग्जाम कब करेगा, 18, 19 और 20, यानी कि तीन डेट के अंदर आपका एग्जाम होगा 18, 19 और 20 दिसंबर, यानी कि इन तीनों डेटों को आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके 12 दिसंबर को आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देख लीजिए, आपको स्कीम दिया गया है, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन दिया गया है, ठीक है, पैटर्न दिया गया है कि आपको किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करनी है अपने इस वैकेंसी को प्राप्त करने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी एग्जाम के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जनरल आपका ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट का आपका यहाँ पर ड्यूरेशन रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 40 रहेंगे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना इसका सिलेबस कुछ अलग ही है, एम्स के सिलेबस से भी मैच नहीं करता है, और उसमें और जो एग्जाम होते हैं हमारे मेडिकल फील्ड के, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर से, उसमें यहां पर मैच नहीं होता। यानी कि इसमें जो क्राइटेरिया है, इसका जो पैटर्न है, वो सबसे अलग आपको यहां पर दिया गया है। तो यहां पर देख लीजिए आपको 45 मिनट का आपका यहां पर जो टाइम है वो रहने वाला है, साथ में आपके 40 एमसीक्यू हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब 40% है वो कौन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस और जो रीजनिंग है उसके आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है उनके दोनों को मिला के आपको 10 क्वेश्चन, इस प्रकार से जो टोटल 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 45 मिनट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टाइम है, काफ़ी कम टाइम है, 45 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, 40 आपके जो एमसीक्यू हैं वो क्लियर करने वाले हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक से यहां पर जो एमसीक्यू है वो आपके आएंगे। बात करते हैं क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि अदर क्राइटेरिया क्या हो सकता है, या क्वालिफिकेशन जो मार्क है वो आपके क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ईच क्वेश्चन विल कैरी द इक्वल, यानी कि जो 40 मान लीजिए आपके एमसीक्यू आएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 40 नंबर का यहाँ पर करवाया जाएगा सीआरई एम्स के लिए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग एनी रॉन्ग आंसर, ठीक है, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, आप 40 के 40 अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन के आपके जो मार्क हैं वो नहीं कटेंगे। क्वालिफाइंग मार्क विल बी 40% फॉर द जनरल और ईडब्ल्यूएस, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास कितने 40% आपके मार्क आने चाहिए, 35% आपको ओबीसी के लिए और 30% आपको एससी एसटी के लिए मार्क आएंगे, तब ही आपका जो सीआरई एम्स का जो एग्जाम है इसके अंदर आप क्वालिफाई हो पाएंगे, अन्यथा आप इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे और आप इस जो एग्जाम की रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो पैटर्न है अपना फोकस रखें, मैंने पैटर्न और एग्जाम और क्वेश्चन के बारे में कंप्लीटली जानकारी दे दी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर स्किल टेस्ट आपको दिया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी हम देने वाले हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देख लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस में ऑनलाइन मोड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ
से अप्लाई करना है तो www.aimsexam.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो लास्ट डेट रहने वाली है 1 दिसंबर, ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, देख लीजिएगा कि एससी एसटी के लिए आपको 5 ईयर, ओबीसी 3 ईयर और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको की दिए गए हैं कि आपको जो अगर पहले आपने कहीं काम किया है तो आपको जो एनओसी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। और भी यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर जो डिस्कस है वो कर दूंगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द फिल अप द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से जाके जो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर पोस्ट है वो आपकी कितने रहने वाली है। तो पोस्ट के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ 3,000 से लेकर आपकी 5,000 तक आपकी जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही आप सीआरई का एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद में आपको पता लग जाएगा यहाँ पर जो कितनी पोस्ट हैं वो होने वाली है, कौन कौन सी एम्स से आपको यहाँ पर जो पोस्ट देखने को मिलेंगी ये देख लीजिएगा। तो टोटल इसके अंदर जो पोस्ट एम्स इंक्लूड की गई हैं वो एम्स हैं 14, है कि 14 एम्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका एक साथ यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी एग्ज़ाम है लगभग सभी आपकी जो एम्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। 14 एम्स इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, इन सभी का ही आपका जो कॉमन एग्ज़ाम है वो यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसियों का डिवाइडेशन किया गया है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो वैकेंसी डिवाइडेशन हुआ है वो आपको दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि क्वालिफिकेशंस जरूरी है कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई हैं वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो वो कैंडिडेट जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा है वो जीएनएम के पास यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो अवेलेबल करा गया है, साथ ही साथ बीएससी और पोस्ट बीएससी के पास भी आपको 2 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है, ठीक है, यानी कि जो बीएससी और पोस्ट बीएससी है वो भी 2 ईयर का एग्जाम 2 ईयर का एक्सपीरियंस वहाँ पर देंगे। इसमें देख लीजिए सीआरईएम्स किसके लिए हो रहा है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो रहा है एम्स के वैकेंसीज के लिए, जिसमें वैकेंसी आपको दी गई है। यहाँ पर आपको पब्लिक हेल्थ नर्स की जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इन सभी का जो एग्ज़ाम है कॉमन होगा, कॉमन एग्जाम होने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो आप सभी को मैं बता दूंगा। जैसे ही एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज होंगे तो एडमिट कार्ड की अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और सिलेबस और पैटर्न के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।